हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग से स्टार्ट हो रही है। आज मैं अपना नाइट रूटीन भी शेयर करने जा रही हूँ कि जो सर्दियों में मैं अपना काम कितने जल्दी झटपट से निपटाती हूँ। और तो अभी 4:45 हो रहा है और क्यारा सोकर जागी है, तो मैं उसे मिल्क दे रही हूँ। वो मिल्क फिनिश कर रही है अपना। मिल्क फिनिश करने के बाद मैं क्यारा की यहाँ पे उसको कॉम कर रही हूँ, उसकी चोटी बनाकर उसको प्ले एरिया ले जा रही हूँ। आजकल मैं क्यारा को दोपहर में नहीं ले जाती हूँ, इवनिंग में लेके जा रही हूँ उसको, जिससे कि थोड़ा मेरे पास टाइम बच जाता है। नहीं, दोपहर जब मैं उसको आफ्टरनून में मिस 12-1 बजे ले के जाती थी, तो वो वहाँ पर 2 से 2.5 घंटा लगा देती थी और फिर सोती भी नहीं थी। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम चेंज कर दिया है, और जब वो नैप ले के सो के जाती है, उसके बाद मैं उसको प्ले एरिया या प्ले ग्राउंड में ले के जाती हूँ। हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट थी और हम लोग पहले लिफ्ट से ही जाते थे, लेकिन कोविड की वजह से हमारा लिफ्ट से जाना छूट गया और आजकल हैबिट है वो स्टेयर से जाने की पड़ गई। तो अब हम लोग स्टेयर से जाना सीख गए हैं। आर यू हैप्पी? हाउ मच? लेट्स गो। घर में बच्चे ये अपने को ऐसा समझते हैं कि मान के चलो उनको जेल में बंद करके रखा है, और यहाँ देखिए प्ले एरिया के नाम से ही क्यारा इतना खुश हो जाती है। तो नीचे आके अब वो 1 से 1.5 घंटा अच्छे से खेलेगी, और जब घर ले जाने के लिए बात करेंगे तो रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम 5 बज रहा था और गार्डन में बहुत ज़्यादा मच्छर दिख रहे थे मुझे, बड़े बड़े मच्छर दिख रहे थे, इसलिए मैंने ये गुड नाइट वाला रोल ऑन है ये हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने मुझे ऊपर से ही दे दिया। तो मैं ये क्यारा को अप्लाई कर रही हूँ जिससे उसको मच्छर ना काटे। तो अभी 6 बज गया है और क्यारा को मैं यहाँ 5 बजे लेके आई थी, तो खेलते खेलते क्यारा को 1 घंटा हो गया और ये जाने का नाम नहीं ले रही है। अभी देखते हैं कितने देर बाद ये जाएगी। और वेदर थोड़ा ठंडा है, आज का मौसम हल्का ठंडा है, तो क्यारा को मैंने जैकेट और नीचे इनर भी पहनाया है, और मैंने भी ये 2 लेयरिंग की है, ये टी शर्ट पहना है, ये स्वेटर जैकेट ये डाला है। देखते हैं क्यारा कितने देर से जाती है। बच्चों को हमें ये छोटी छोटी एक्टिविटी हैं उनको करने देना चाहिए, जैसे शू रिमूव करना, शू पहनना, सॉक्स पहनना, सॉक्स रिमूव करना, इन सारी चीज़ों को अगर आप बच्चों से खुद करवाएंगे तो वो चीज़ें सीखेंगे भी, साथ में इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। तो क्यारा यहाँ शू रिमूव कर रही है, और इन सारे शू मीन्स दोनों शू में उसने ढेर सारी सैंड भर के रखी है, क्योंकि प्ले ग्राउंड में सैंड भी है तो वो सैंड में भी खेलती है। तो अब यहाँ से जाने के बाद मीन्स हम लोग जब अंदर जाएंगे तो मैं क्यारा के अच्छे से हैंड वॉश कराऊंगी, लेकिन आज उसने सैंड में ज़्यादा नहीं खेला है, वो बॉल के साथ खेलती रही, तो मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी, केवल उसके हैंड वॉश ही करूँगी। क्यारा को लेके, और अभी क्यारा खेलना शुरू कर दी है। मैं किचन में अपने डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरे पति देव का अभी भी ऑफिस चल रहा है उनका, आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन उस रूम का जिस रूम में वो ऑफिस वर्क करते हैं वो भी गेट बंद है, जैसे कि क्यारा का जो खेल रही है तो उसका नॉइज अंदर ना जाए। और क्यारा यहाँ देखिए क्या कर रही, मैं बताती हूँ। क्यारा, व्हाट आर यू डूइंग? Sit properly. Okay. These are story books. You tell me story. Read some story, Kiara. Yeah.
सडनली ड्रैगन केम फायर एंड डू। तो किचन में काम करते करते मैं क्यारा से बात भी करती रहती हूँ, जिससे कि वो अकेला फील ना करे, और एक बार उसके पास जाके चक्कर भी लगाती रहती हूँ कि वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही, देखाती हूँ। और यहाँ मैं पालक पनीर बन गई है मेरी, तो मैंने उसको इस मिक्सी जार में पीसा था। रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिखाया है। और मैं अपने काम साथ साथ में करती रहती हूँ, जैसे मैंने मिक्सी यूज़ की है तो मिक्सी को तुरंत पोंछ के उसको क्लीन करके मैंने तुरंत उसकी जगह पर रख दिया। और मैं यहाँ पर आज ज्वार की रोटी है वो ट्राई कर रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो जैसे मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मेरी नानी बनाती थी, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, बनाती नहीं हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ कि उस तरीके से बनाऊँगी तो कैसी बनती है। तो ज्वार का आटा है ये मेरे हस्बैंड डीमार्ट से लेके आए थे, और मैंने उनसे मक्के का आटा मांगा था, लेकिन उनको ज्वार का आटा लेके आए। वो कहते हैं ना कि हमने उनसे मांगा था फूल और वो लेके आ गए गोभी का फूल, तो वही हाल हुआ है। तो वो मांगा था मक्के का आटा और वो ज्वार का आटा लेके आए। तो ये थी मेरी पहली रोटी जो थोड़ी कटी फटी है, और मैं जैसे मेरी मम्मी पानी लगा के हाथ में और बनाती हैं हाथों से, उसी तरीके से मैं ट्राई कर रही थी। और ये मेरी सेकेंड रोटी है, लेकिन ये थोड़ी मोटी है। मेरी मम्मी जब बनाती हैं तो उनकी बहुत परफेक्ट और बहुत पतली रोटी आती है, लेकिन मम्मी को भी सीखने में कुछ टाइम लगा होगा। तो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, आप एक दिन में परफेक्ट नहीं बन जाते हो, और इनको सीखने के लिए मुझे महीने लग जाएंगे। तो ये हो गई मेरे हस्बैंड की थाली रेडी, तो इसमें है पालक पनीर और थोड़ी सुबह की सब्जी जो बची हुई है। और हम सुबह का खाना है वो शाम को खा लेते हैं, अगर सब्जी वगैरह कुछ बची होती है तो वो शाम को खा लेते हैं, लेकिन शाम को मैं खाना उतना ही बनाती हूँ जितना कि शाम को ही ख़त्म हो जाए, वो सुबह के लिए कुछ भी ना बचे। और यहाँ मैं अपने डिनर हो गया हमारा, और तो मैं यहाँ पे ये सारा काम है किचन को क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट करो खाना खाने के बाद, थोड़ा आलस करोगे तो फिर आपका काम है ना वो डला रह जाता है। तो मैं तुरंत ही किचन में आके लग जाती हूँ। तो मैंने सारे कंटेनर्स हैं वो सब कपड़े से पोंछ के और उनको उनकी सही जगह पे रख दिया है। और यहाँ पे मैं ये चिमनी के फ़िल्टर हैं इनमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा है, तो पहले मैं इसको टिश्यू से इसका जो ऑयल है वो साफ़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो नॉर्मल आप पेपर हैं न्यूज़पेपर उनसे भी साफ़ कर दीजिए। तो डेली अगर आप इस तरीके से साफ़ कर लेंगे तो आपकी चिमनी के ये फ़िल्टर हैं ये ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, शाम को टिश्यू पेपर लेती हूँ और इसको एक बार से अच्छे से वाइप कर देती हूँ, तो सारा ऑयल है वो निकल जाता है। और संडे को टाइम मिलने पर मैं इसको अच्छे से हॉट वाटर में डिप करके फिर धो लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन का ये काउंटर टॉप है ये सब क्लीन करूँगी। और मैंने अपने नाइट रूटीन में पहले भी शेयर किया है कि मैं किस तरीके से इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सारी वॉल है वहाँ सब क्लीन कर लिया है, और ये गैस के जो बर्नर्स वगैरह हैं ये सारे मैं अभी क्लीन करूँगी। डेली इनको शाम को धो के रखती हूँ, तो मैं उनको सिंक में डाल दिया है। तो ये सारा यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है। बर्तन धुलने से पहले मैं किचन के नीचे है वो झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो कूड़ा है या ऊपर स्लैब साफ करते हुए नीचे कचरा गिर जाता है, और बर्तन धुलने के बाद यहाँ नीचे थोड़ा बहुत पानी आ जाता है तो इस वजह से किचपिच हो जाता है। इसलिए मैं पहले झाड़ू कर देती हूँ उसके बाद बर्तन धुलने जाती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैंने फ्रिज भी अपना है वो क्लीन कर लिया, क्योंकि आप जब खाना बनाते हो तो फ्रिज को बार बार खोलने के बाद में फ्रिज में थोड़ा बहुत स्पॉट आ जाते हैं, तो मैं फ्रिज को क्लीन कर लिया। अब मैं यहाँ पे बर्तन धुलकर तुरंत रख देती हूँ। मेरे डिनर होने के बाद किचन स्लैब साफ करने के बाद अब बर्तन की बारी आती है, तो बर्तन भी मैं नाइट में ही धुलकर रखती हूँ। मैं कभी भी जूठे हुए बर्तन हैं वो सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ, और यही चीज़ मैंने अपने घर में मम्मी से देखी है कि मेरी मम्मी नाइट के बर्तन नाइट में ही धुल के रखती हैं। और मेरी सासू माँ भी हैं सेम चीज़, वो भी करती हैं कि बर्तन हैं वो रात में, रात के खाए हुए बर्तन रात में ही धुलकर ही रखने चाहिए। तो इस तरीके से मेरी किचन साफ़ सुथरी रहती है, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे धुले हुए बर्तन मिलते हैं, और मेरे पास कोई टेंशन नहीं रहती है कि सुबह उठकर जागने के बाद मुझे बर्तन धुलने हैं और मेरे किचन गंदी पड़ी है। तो मैं सारा काम है वो नाइट में कर देती हूँ, और मैंने अपने घर में कोई भी हेल्पर नहीं लगा रखी है, मुझे अपना घर का काम करना खुद ही अच्छा लगता है, और मैं अपने सारे काम रात में ही निपटा लेती हूँ। तो मुझे मॉर्निंग में किसी हेल्पर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो आके मेरे बर्तन साफ़ करके जाए या क्लीनिंग करके जाए। अभी मैं नाइट में ही हॉल वगैरह है वो भी क्लीन कर देती हूँ, तो मॉर्निंग में घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, जिससे कि क्यारा आराम से खेल सके। और डेली ही मैं अपने ये गैस स्टोव
के स्टैंड है इनको और गैस बर्नर को है वो साफ़ करके रखती हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। अगर आप डेली रूटीन में बना लीजिए कि आपको बर्नर भी डेली ही साफ़ करने हैं, तो आपके बर्नर हैं वो चमकते रहते हैं। तो बस आप थोड़ा सा स्टील वाला जो स्क्रबर है, बस उसी से थोड़ा सा स्क्रब कर दीजिए, उसको अच्छे से रगड़ दीजिए, तो आपके बर्नर हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही डेली करती हूँ, और जब कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं तो मैं इनको वाइट विनेगर में, या वाइट विनेगर है उसमें डाल के रख देती हूँ, या थोड़ा सा बेकिंग सोडा है और हॉट वाटर, बेकिंग सोडा और लेमन वाटर में तो डिप मेरी करके डाल किचन देती है हूँ। वो मॉर्निंग इनको क्लीन स्क्रब हो कर गई देती है, हूँ तो बहुत भी ये सारे बहुत बर्तन अच्छे मेरे से धुल गए चमकने लगते हैं, हैं। और लेकिन आप अगर डेली हाँ रूटीन में सिंक करते भी मैं रहेंगे, क्लीन मिस कर डेली दूंगी, इनको और साफ ये करेंगे, पार्लर तो ये है धुल आपके के ज़्यादा यहाँ गंदे रखती नहीं हूँ ये, होंगे और फिर इसका पानी जैसे के सूख तैसे जाएगा हैं फिर वैसे इसको साफ फ्रिज में बने रख रहेंगे। दूंगी। तो अब चलते हैं हॉल क्लीनिंग के लिए। क्यारा अभी नीचे गई है अपने डैडा के साथ वॉक के लिए, खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड वॉक के लिए गए हैं। तो यहाँ देख ये सारा कलर्स वगैरह है, ये सब पहले डली हुए हैं, तो मैं इनको सबको अरेंज करूँगी। पहले ये मैं सारा टॉय सेक्शन है ये, जो कैरा का अंदर यहाँ रूम में रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको हॉल में ही रख लिया, क्योंकि किचन में काम करते टाइम कैरा को यहाँ रूम में देखने आना पड़ता था, तो मैंने ये निकाल के यहाँ रख लिया। यहाँ टॉय भी है और कैरा की कुछ बुक्स भी है, ये सारा है, तो ये सब यहाँ अरेंज करूँगी। और यहाँ सोफा देखिए क्यारा ने कितना गंदा करके रखा है, वो किचन से आटा वगैरह लाती है तो सब यहाँ पे डाल देती है, यहाँ पे कहीं कुछ बनाती है कहीं कुछ, और किचन का ये सब आजकल क्यारा छोटी छोटी चीज़ों से खेलती है, जैसे ये हो गया, उसको कॉइन 5 रुपीज़ वाला कॉइन चाहिए होता है, लेकिन वो माउथ में नहीं देती है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं उसको इन सब चीज़ों से खेलने देती हूँ, लेकिन एक बार फिर भी उसको देखती रहती हूँ। और ये ताबीज मिल गई है घर से, लास्ट टाइम उसकी नानी ने उसको ये पहनाई थी तो वो गले से निकल गई थी, तो वो रखी हुई थी, आजकल वो इससे भी खेलती है, ताबीज की तरह छोटे छोटे टॉय से खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हीं से भी, ये टॉय तो नहीं है लेकिन वो एज अ टॉय इन सब चीज़ों से खेलती है। तो चलिए मैं अभी यहाँ क्लीन करूँगी, ये देखिए कितना आटा वगैरह है ये सब क्यारा ने इसके अंदर डाल के रखा है, ये सब क्लीन करना पड़ेगा नहीं तो सुबह के लिए काम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मैं सारे अपने काम है रात में ही झटपट से कर लेती हूँ। विंटर चल रहा है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, तो मैं जल्दी से अपने सारे काम है वो निपटा लेती हूँ। और ये ब्लू कलर की लाइट की वजह से क्यारा के जो नियोन कलर के सारे टॉय हैं वो सारे चमक रहे हैं, उनमें शाइनिंग आ रही है, तो ये उसी के लिए जला के रखी थी।